जितने भी फ्यूचर में जाते कभी मैं जाना तो हम आ चुके हैं आज की दिन की शुरुआत होगी हमारी गुंगा मैया से। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आए हूँ मैं हरिद्वार में और आपको दिखाऊंगा हर की पौड़ी के आसपास का एरिया। फिलहाल हूँ मैं हर की पौड़ी पे और अभी मैंने अपना जूते जमा करवाए हैं, नंगे पैर चलना पड़ रहा है यहाँ पे। अभी आगे चल के दिखाता हूँ आपको हर की पैड़ी और उसके आसपास का कैसा माहौल है। आज सैटरडे का दिन है, भीड़ बहुत हो रही है। भीड़ में कैमरा पकड़ना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक काम है। अभी ये कुछ ऐसा आगे हर की पौड़ी, सामने वो धनुष वाला पुल और इधर ही हर की पौड़ी। तो यहाँ पे जूते निकलवाने के बाद ही एंट्री होगी। पानी चल रहा है यहाँ पे, पानी में पैर धो और आगे जाओ। पैर धो लिए मैंने, अब पैर धोने के बाद आगे जा रहा हूँ मैं। की पौड़ी का एरिया है, यहाँ पे मंदिर है ये एंट्री इधर से, और यहाँ से एंट्री लेके इधर आ गए। मेरे पीछे मनी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। इधर पीछे जो एक घाट बने हुए हैं यहाँ पे सब होता है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो भी होती है वो यहाँ पे पीछे घाट पे होती है। और फर्श बहुत गर्म हो रहा है धूप में, तो इसलिए ये पट्टी भी चुनी है चलने के लिए। अभी तो फिलहाल एंट्री पे ही हूँ मैं, एंट्री के बाद नीचे जाके दिखाता हूँ आपको नीचे क्या क्या मिलेगा। अब वो सामने अंकुश है और नीचे मनी। अब आगे जाके आगे और भी सारे घाट हैं, यहाँ ये मेन घाट है जहाँ पे संस्कार की क्रिया होती है। आगे चल के देखते हैं आगे क्या कैसे कैसे वो है। बहुत गर्म फर्श हो रहा है, पैर जल गए, तो पट्टी पे चलना पड़ रहा है। मैं भी फ्यूचर में जाते कभी मैं जाना तो हम आ चुके हैं। आज की दिन की शुरुआत होगी हमारी गुंगा मैया से स्नान के साथ, और आज हमारी शाम को ना 6 बजे ट्रेन भी है। मतलब हम जा रहे हैं उत्तराखंड छोड़ के, और उत्तराखंड में 26 दिन 26 डे कैसे स्पेंड किए पता नहीं चला यार, इतना मजा आया। फिर आएंगे हम बट सुबह की शुरुआत करते हैं गंगा मैया के स्नान के साथ। ठीक है ना, सुबह सुबह कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो ये हर की पौड़ी पीछे चल रहा है स्नान, यहाँ स्नान करने के बाद हम बाहर। तो हर की पौड़ी पे नहाने के बाद हम चलते हैं वापस, अब कुछ खाना खाएंगे और अपने शूज लेंगे। पहले यहाँ पे यहाँ आने के लिए शूज जमा करवाने पड़े थे, तो पहले अपने शूज लेंगे, टोकन देंगे, उसके बाद वापस चलेंगे कहीं खाना खाने के लिए। मेरे पीछे मनी, मेरे किसी भी अनजान आदमी को भरोसा ना करें, जूते चोरी हो सकते हैं। जमा करवाए थे ना अंदर? अरे बाहर क्या बाहर वहाँ निकले, इधर इसको करवाए। मैं शूज लेके वहीं आ रहा हूँ। हाँ इधर से वहाँ नहीं करवाए मैंने, उसने मना कर दिया शूज जमा। अच्छा अच्छा, मैं एक मिनट में आया बस शूज लेके। तो अभी मैं शूज लेने जा रहा हूँ अपने वापस, और ये अंकुश और मनी चले गए सामने शूज लेने। तो मैं मेरा पर्स मैं दूसरे भैया के पास है अभी। तो शूज मिल चुके हैं, शूज पहन के चलते हैं अपने वापस से आगे। शूज पहन लिए मैंने, अब मैं जा रहा हूँ आगे जहाँ पे मनी और वो है। वहीं बाइक पार्किंग में खड़ी है, बाइक लेंगे फिर कुछ खाने की दुकान पे चल के खाना खाते हैं। आगे का सिचुएशन कुछ ऐसी है, भीड़ बहुत हो रही है यहाँ, पता नहीं कहाँ मिलेंगे वो गोर है। चप्पल चोरी होगी क्या? जब से हरिद्वार में आए ना जूते का इतना खोप है, इतना सारे आते हैं यहाँ पे देखना बैठा कि जूते हैं या किस्मत चमक है। ये चल रहा बिहाइंड द सीन अंकुश राजपूत का। कब चलते हैं आगे खाने की दुकान पर? पंखे के नीचे बैठते हैं। तो आ गया खाना, एक सिंपल थाली 3
और एक हलवा। अब खाएंगे तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो खाना खा के तो हम आ चुके हैं, हम कर रहे हैं मार्केट में शॉपिंग। ये कुछ मार्केट है, यहाँ पर टी शर्ट मिल रही है, यहाँ पर शॉल कंबल चादर पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। अब आगे चलते हैं। तो खाना खाने के बाद और मार्केट में थोड़ा घूमने के बाद हम चल रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। होटल में जाएंगे, अपना बैग उठाएंगे तो फिर इनको मनी को जाना है रेलवे स्टेशन, क्योंकि उसकी ट्रेन है शाम की और मैं निकल जाऊँगा देहरादून की तरफ। तो अभी आगे चलते हैं और अपनी बाइक उठाते हैं और फिर चलते हैं होटल की तरफ। ये है कुछ मार्केट यहाँ का। अब आगे तो यहाँ पे चल रही है शॉपिंग। तो यहाँ आर की पौड़ी के मार्केट में से हमने थोड़ा सा प्रसाद लिया है और अब चल रहे हैं वापस अपनी बाइक की तरफ। जा ही रहे थे तो रास्ते में रुक के थोड़ा प्रसाद लिया है, थोड़ा मनी ले लिया, थोड़ा कुछ नहीं लिया। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपनी बाइक उठा के रेलवे स्टेशन छोड़ के, इनको मैं फिर देहरादून निकल जाऊँगा। फिलहाल बाइक ढूंढते कहाँ खड़ी करती, बाइक भी भूल गए मैं तो कहाँ खड़ी करती। और ये मेरे पीछे है हर की पौड़ी, सामने से जाके लेफ्ट में कहीं बाइक खड़ी है, तो चलते बाइक के वहाँ पे जहाँ से शुरू करी थी वहीं आ गए हम घूमते फिरते। पूछे क्या बोल रहे हैं, ये मनी साथ मेरे साथ घूम रहे हैं, पता नहीं धूप दिख तो भी नहीं, तो धूप लग रही है सामने से बहुत तेज। यहाँ कोई बच्चा खो जाता है तो उसके अनाउंसमेंट होती है, कोई जहाँ कहीं भी हो। ये मेन गेट आ गया, इधर से हमने बाइक खड़ी करी थी, बाइक उठा के वापस चलते हैं। ये है ना बाइक, भैया मिल रहे हैं हमें, ठीक है चलते हैं। तरुण भाई हमें ना रेलवे स्टेशन तक छोड़ देंगे, फिर चलते हैं। देखो एनीवेज तरुण भैया हमें रेलवे स्टेशन तक छोड़ देंगे और आज शाम को हम घर पहुंच जाएंगे। यार गंगे मैया की जय। स्टेशन तो इतनी जल्दी आ गया है बट मेरे को समझ नहीं आ रही कि इतनी जल्दी आके करना क्या है। अभी 3:30 हुए हैं और रात के 9 बजे ट्रेन है, यानी कि पूरे 6 घंटे इधर ही बैठना पड़ेगा, पता नहीं क्या कुछ कर पाते हैं। और भैया भी अपने साथ ही हैं, अभी तो शाम तक कितनी रहेंगे भैया, शाम को जाओगे घर वापस? अच्छा अच्छा तो ठीक है, चाय पीते हैं फिर मिलते हैं यार आपसे, देखते हैं क्या करते हैं। 6 घंटे वेट करना यार। तो अंकुश और मनी को मैंने छोड़ दिया रेलवे स्टेशन पे, अब मैं वापस चला देहरादून की तरफ। ये मेरे पीछे हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है, अब मैं यहाँ से जाऊँगा देहरादून। और इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।